बॉलीवुड अभिनेता और आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना में अपना वोट डाला और शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत और पूरे देश में इंडिया अलायंस की जीत का दावा किया है। एग्जिट पोल के रुझान कुछ ही देर में आने लगेंगे और नतीजे तो 4 जून को आएंगे, जिसे आप एबीपी न्यूज पर जरूर देखेंगे। लेकिन सवाल शत्रुघ्न सिन्हा जी से पहला यही है, आपकी भविष्यवाणी क्या है? कौन बोल्ड होगा, किसके कितने विकेट गिरेंगे, कौन कितना रन बनाएगा? ना मैं कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ, ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ। मैं सिर्फ हवा का रुख देख सकता हूँ, यही कह सकता हूँ कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। अब जो है इंडिया ब्लॉक बहुत ही भारी दिख रहा है, भारी नहीं बल्कि बहुत ही भारी दिख रहा है। चाहे लोग जिस तरह प्रचार करें, जिस तरह की बातें करें, मैं अपने अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकता हूँ कि यूनाइटेड अपोजिशन, इंडिया ब्लॉक या हमारी ममता बनर्जी, जिनके बारे में तरह तरह की बातें की गई, दुष्प्रचार किया गया, नाम या अपमान करने की कोशिश की गई, मैं उनका भी कह सकता हूँ कि बंगाल में वो स्वीप करते हुए दिख रही हैं और पूरे भारतवर्ष में इंडिया ब्लॉक जो है वो धाराशाही करने की स्थिति में है हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स को। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बंगाल में 30 सीटें से ज़्यादा उनको आएंगी। देखिए, मैं अपने बीजेपी के दोस्तों को या बीजेपी के बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं इतने साल रहा हूँ वहाँ पे, मानता हूँ कि उनके पास धन शक्ति बहुत है और धन शक्ति की वजह से जो प्रचार पे वो लोग खर्च करते हैं, जिस तरह से प्रचार किया है, यहाँ तक प्रचार कर रहे हैं वो लोग कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मित्र जो इस वक्त गुफा में तथाकथित मेडिटेशन करने गए हैं, वो सही मायनों में मीडिया अटेंशन के लिए गए हैं। ऐसा हमारा मानना है, लोगों का मानना है कि अंतिम क्षण तक भी वो प्रचार कर रहे हैं, और अब क्यों मेडिटेशन के जरिए, जैसे पहले भी किया था, मेडिटेशन है ना कि मीडिया अटेंशन के जरिए। तो ये प्रचार की बातें हैं, ये हकीकत नहीं, यथार्थ की बातें नहीं हैं, ये सारी प्रचार की बातें हैं जो दूर के ढोल सुहावन लग रहा है उनको, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा घबराहट, बौखलाहट अगर किसी है, किसी नेता से, तो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ममता बनर्जी से है। नंबर्स दे दीजिए, कितने नंबर आएंगे इंडिया में? कौन खामोश होगा? मुझे एक तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप जाहिर है कि बीजेपी के लोगों से पूछेंगे या एनडीए के लोगों से पूछेंगे तो वो अपनी बात करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात से ज़्यादा, मैं अपने अनुभव के आधार पर जनता की बात कर रहा हूँ। देश में जो आज चारों तरफ देख रहा हूँ, जितनी चित्कार है या हाहाकार है या जितनी पुकार है न्याय के लिए, जितनी पुकार है महंगाई का और बेरोजगारी की मार के खिलाफ, या जितने सारे किसानों को डबल आमदनी देने की, यानी इन बातों का मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, ये आपको हकीकत देखना पड़ेगा। सिर्फ कुछ प्रचार का माध्यम जो है, कुछ मीडिया या कुछ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, वो लोग तो अपनी बात रखेंगे ही और बढ़ा चढ़ा कर रखेंगे, उनकी मजबूरी है, इसलिए अभी इन बातों पे जाने की जरूरत नहीं। मैं आपसे सहमत हूँ, 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसी को हम सब स्वीकार करेंगे। तो शत्रुघ्न सिन्हा को आपने सुना, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, साथ ही देश में इंडिया अलायंस की जीत का भी दावा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। राकेश शुक्ला जी, ये जो माहौल बदला गया अभी, पहले तो पटना साहिब से वो लगातार चुनाव लड़ते रहे, 19 में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद वो आसनसोल से अभी उम्मीदवार हैं टीएमसी की तरफ से, अब ये हवा उनके लिए खुद कितनी बदली है और कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने है? नहीं, मुझे लगता है शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वो पूरा सीट जो है, एक तो उनका अपना खुद का व्यक्तित्व है, दूसरा ममता बनर्जी का वहाँ पर बड़ा अच्छा प्रभाव है, लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ममता बनर्जी के लिए है। कारण ये है कि 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने मतों का एक बड़ा आंकड़ा, यानी बड़ा फासला तय किया है, और लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो आपका मतदाता था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। 30% मुस्लिम और 13% अन्य मतदाताओं को लेके ममता बनर्जी वहाँ पे चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी 40% पे पहुँच गई है। इस चुनाव में 3% वोट
का उलट पलट हुआ, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उस 30 के आंकड़े को हासिल करेगी जो आंकड़ा 2014 में ममता बनर्जी लेके आई थी लोकसभा चुनाव में। तो सारा खेल चल रहा है, ये जो हिंसा हो रही है, जो मतों का ये सारा खेल हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, वो 3% वोट के लिए हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर अब इस बार देखना होगा कि वोट शेयर कितना बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी का, और क्या जो शत्रुघ्न सिन्हा भी कह रहे हैं कि टीएमसी की वहां पर बड़ी जीत होगी, ऐसा वाकई में होगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।